मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल बम्पाड़ एजुकेशन एंड हियर वी आर विथ चैप्टर नंबर 13 प्लांट्स अराउंड अस ऑफ ईवीएस थिंक ग्रीन एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर क्लास 2 एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 13 प्लांट्स अराउंड अस, मतलब जो पेड़ पौधे हमारे चारों ओर होते हैं उनके बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या मिलेगा आपको इसमें, पढ़ के क्या सीखने का उद्देश्य क्या है। चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड, बच्चे क्या सीखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्री, अलग अलग किस्म के पेड़ और पौधे, ठीक है, प्लांट्स पौधे और ट्रीज पेड़। हाउ प्लांट्स एंड ट्रीज आर बेनिफिशियल फॉर अस, और कैसे पौधे और जो पेड़ है वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं या उपयोगी होते हैं। बेनिफिशियल मतलब उपयोगी, लाभदायक। ग्रीन प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, हरे पेड़ जो है हमारे चारों तरफ होते हैं। दे आर लिविंग थिंग्स, ये सजीव है, ठीक है, सजीव चीजें हैं। दे ब्रीथ एंड ग्रो, ये सांस लेते हैं और बढ़ते हैं। लेट अस स्टडी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट अराउंड, चलो हम उनका अध्ययन करते हैं, जितने भी हमारे तरफ अलग अलग किस्म के प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं चारों तरफ उनका, ठीक है। ये आपको एक प्लांट का पूरा पिक्चर बना रखी है, जिसमें इसमें फ्लावर दिखा रखा है, बड जो कली होती है, लीफ पत्तियां, और यहाँ पर फ्रूट है जैसे, ठीक है, और ये स्टेम इसका तना है, ये रूट है, जड़ है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, ज्यादातर पौधे किसमें होते हैं, जमीन पर उगते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कुछ क्या होता है पानी में भी उगते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड, कुछ बहुत बड़े होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड वीक, कुछ बहुत छोटे होते हैं और कमजोर होते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू, प्लांट्स जो पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। नाउ ट्रीज, ट्रीज मतलब पेड़। टाल बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, जो बड़े लंबे और मजबूत पौधे होते हैं उनको हम पेड़ कहते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेज एंड लीव, इनकी बहुत शाखाएं, ब्रांचेज शाखाएं और लीव पत्ते होते हैं। दे स्टैंड इरेक्ट बिकॉज ऑफ अ थिक वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम, ये सीधे क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि इनके पास एक बहुत ही मोटा लकड़ी वाला, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत तना होता है। द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, और जो इसका तना होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, तने को कहते हैं। ट्री पेड़ का जो स्टेम होता ना होता है उसको ट्रंक कहते हैं, ठीक है। ट्रीज गिव अस शेड, ये हमें छाया देते हैं, फ्रूट्स एंड वुड, फल देते हैं और लकड़ियां देते हैं। एग्जांपल, उदाहरण के बताएं, मैंगो आम का पेड़, नीम, अशोका, बेनियन बरगद का इत्यादि, ये दिखा भी रखे, नीम, मैंगो एंड अशोका ट्रीज, बिल्कुल ये पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं, नॉइस पॉल्यूशन को, या जो बाहर से कचरे रोक लेते। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, द ग्राउंड नट प्लांट इज एक्चुअली अ ग्रीन बुश, जो मूंगफली का पौधा होता है वो एक्चुअल में एक हरी झाड़ी है। इट्स नट्स ग्रो विद द रूट, इसके जो भी नट्स होते हैं, जो मूंगफली इसमें होती है, वो रूट्स के साथ में जड़ें होती हैं। टू गेट ऑयल वी क्रश सीड्स ऑफ प्लांट रिच इन, जिन पौधों में बहुत ज्यादा मात्रा में तेल होता है तो तेल प्राप्त करने हम क्या करते हैं, उनके बीजों को क्या करते हैं, कूटते हैं या मसलते हैं, उनको पीस देते हैं, तो उससे हमें तेल मिलता है। वट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, अब यहाँ पर पूछा हमसे पेड़ों से क्या मिलता है, वी गेट फ्रूट्स, वेज, सेड, वुड, ठीक है, ऑयल, कई सारी चीजें मिलती हैं। श्रब्स मतलब झाड़ियां, श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्री, श्रब्स जो झाड़ियां होती है वो पेड़ से कम होती हैं, छोटी होती हैं। दे हैव अ स्मॉल थिन हार्ड वुडी स्टेम एंड मैनी ब्रांच, इसके पास क्या होता है, एक छोटा पतला लेकिन कठोर वुडी लकड़ी का तना और बहुत सारी ब्रांचेज होती है, शाखाएं होती हैं। दीज ब्रांची ग्रो क्लोज टू द, ये ब्रांची जो शाखाएं होती हैं जमीन के बहुत ही नजदीक होती हैं, वहीं फैलती हैं या बढ़ती हैं। दे आर मीडियम इन साइज, ये मध्यम साइज में, आकार में मध्यम होती हैं। एंड दे लीव फॉर, और ये बहुत कई सालों तक रहती हैं, जिंदा रहती हैं। एग्जाम्पल में उदाहरण के लिए, जैसे रोज गुलाब का, हिबस्कस हो गया गुड़हल, और जैस्मिन हो गया चमेली इत्यादि, रोज, हिबस्कस और जैस्मिन। नाउ हर्ब्स, हर्ब्स होते हैं जड़ी बूटी वाले, ठीक है, इसमें दिखा रखा है आपको। सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड थिन स्टेम्स, कुछ छोटे पौधों का क्या, बहुत ही मुलायम हरा और पतला तना होता है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, इनको जड़ी बूटी वाले या हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली फॉर फ्यू, कुछ बहुत जो जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं बहुत ही कम समय के लिए, बहुत कुछ मंथ के लिए, कुछ महीनों के लिए जिंदा रहते हैं। हर्ब्स आर स्मॉलर देन, तो ये झाड़ियों से, श्रब्स से छोटे होते हैं, कौन, जड़ी बूटी वाले छोटे पौधे। दे कैन स्टैंड इरेक्ट ऑन द, ये भी जमीन से सीधे खड़े होते हैं। दे आर सीजनल प्लांट्स, ये मौसमी पौधे हैं, मौसम के अनुसार। लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ सम आर यूज्ड एज मेडिसिन, जो इनकी पत्तियां और इनके तने होते हैं,
ठीक है, ये जड़ी इनसे क्या होते हैं, दवाइयां बनती हैं, और कुछ से क्या होते हैं, फ्लेवरिंग जिसमें खुशबू आती है, जैसे ग्रास, जो घास, लेमन ग्रास आपने सुना होगा जिसमें से नींबू की खुशबू आती है, मिंट, ठीक है, पुदीना, वीट, गेहूं का, सनफ्लावर आपका, सूर्यमुखी का, और लेडी फिंगर मतलब जो ये आपका क्या होता है, भिंडी इत्यादि। तो ये दिखा भी रखे हैं। क्लाइमर्स, क्लाइमर्स क्या होता है, जैसे पर्वतारोही वैसे उसी तरीके से इनको भी चाहिए होता है चढ़ने के लिए, ये ऊपर चढ़ते हैं दीवार के सहारे या किसी तने के सहारे। स्टेम्स ऑफ सम वेरी, बहुत ही इनके जो तने होते हैं बहुत ही कमजोर होती है, दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर, या खुद से खड़े सीधे खड़े नहीं हो सकते, दे नीड द सपोर्ट ऑफ द प्लांट और स्टिक टू स्टैंड, इनको किसी सहारे की जरूरत होती है या कोई लकड़ी लगाकर इनको खड़ा किया जाता है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइमर्स, इसलिए चढ़ने वाले पौधे कहते हैं, ठीक है। क्लाइमर्स, क्लाइमर्स हैव टेंडल्स टू होल्ड एंड सपोर्ट, इनमें छोटे छोटे तंतु निकले होते हैं, जड़े जैसी निकले तंतु टाइप के, जो ये दूसरी चीजों को पकड़ लेते हैं, जैसे बताया ग्रेप वाइन, पी, ठीक है, ये ग्रेप वाइन क्या है, जो अंगूर की बेल होती है, पी, मटर और मनी, मनी प्लांट में देखना छोटे छोटे तंतु जो आपको उससे पता लगता है कैसे ये पकड़ दीवारों को जकड़ लेता है उनसे, ठीक है। नाउ क्रीपर्स, मतलब क्रीपर्स में रेंगने वाले जो जमीन के साथ चलते हैं, सम प्लांट्स क्राउल अलोंग, ये क्या होता है, ग्राउंड के साथ जमीन के साथ रेंगते हैं, दे आर कॉल्ड, इसीलिए क्रीपर्स कहा जाता है, रेंगने वाले पौधे। क्रीपर्स हैव, इनकी बहुत ही कमजोर तना होता है, दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था पम्पकिन, कद्दू का, और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का जो होता है ऐसे लगता है। थॉर्नी प्लांट्स, कांटे वाले पौधे, सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, बहुत सारे जो कुछ पौधों के क्या होता है, कांटे निकले होते हैं। एनिमल्स डू नॉट ईट सच, तो जानवर ऐसे पौधों को नहीं खाते हैं, सच प्लांट्स आर कॉल्ड थॉर्नी, इसलिए इन्हें कांटे वाले पौधे कहा जाता है। ये ज्यादातर मरुस्थल रेगिस्तान में होता है, पानी कमी होती है। एग्जाम्पल कैक्टस, रोज एंड बोगेनविलिया, तो इसमें आपको बता रखा है कैक्टस का है, रोज है, और बोगेनविलिया जो आपके बड़े सुंदर सुंदर अलग अलग किस्म के फूल लगते हैं, और ये आपके बंगले अंगले या घरों के साथ भी मिलता है, ठीक है। अब ये बता रखा है यूजेज ऑफ प्लांट्स, क्या इनके उपयोग है प्लांट्स के, ठीक है। ये पूरा चार्ट बना रखे बता रखा है, एज फूड, खाने के लिए, कीप एयर क्लीन, हवा साफ करने के, परफ्यूम्स के लिए इत्र होता है उसमें, गिवस फायर, रेशे हमें देते हैं, फॉर पेपर, कागज और लकड़ियां देते हैं, हमें दवाइयां देते हैं इसमें, जैसे तरह तुलसी, टर्मेरिक, एलोवेरा, ये सब क्या है, आंवला, ये दवाइयों के काम आते हैं। पेपर के लिए क्या, बम्बू, टीक, देवदार, ये जो बम्बू के बांस का है, टीक है, देवदार है, ये पौधे आपको पेपर और वुड देते हैं। फाइबर कौन सा देता है, रेशे, कॉटन है, जो कपड़े अपड़े हमारे बनते हैं, ठीक है, कॉटन है, फाइबर है, जूट, कोकोनट फाइबर, इनसे मैट बनती है, कपड़े बनते हैं। परफ्यूम से रोज और जैस्मिन, चमेली और गुलाब से क्या होता है, परफ्यूम इत्र के काम आता है। फूड में क्या, कॉफी, टी, सुगर केन, आपको पता है कॉफी, टी और गन्ने का, ये फूड में काम आता है। और क्या, फ्रूट्स में मैंगो, एप्पल, वेजिटेबल्स में स्पिनच, पालक और रेडिस, ठीक है, मूली। सीरियल्स में जो अनाज में जो मोटे, वीट, राइस, चावल, ठीक है, गेहूं और मक्का। पल्स, दालों में ग्राम, चना और राजमा। प्लांट्स प्रोवाइड अस सो मेनी यूजफुल थिंग्स, बट द मोस्ट थिंग दे प्रोवाइड इज ऑक्सीजन, हमें बहुत सारी उपयोगी चीज तो देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। वी ऑल नीड ऑक्सीजन ब्रीथ इन, तो हमें जिंदा रहने के लिए और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सभी को इसकी जरूरत पड़ती है। वी वुड नॉट सर्वाइव देयर इज आर नो ट्री इन आवर, अगर हमारे वातावरण में चारों तरफ पेड़ नहीं होंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। दस वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड, इसलिए हमें पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए और पेड़ों की सुरक्षा, पौधे और जो पेड़ है उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ एनीवन टू कट ट्रीज, हमें किसी को भी पौधों को काटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए या नहीं काटने देना चाहिए। वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज वी कैन, जितना हो सकता है उतने ज्यादा हमें पौधे या पेड़ लगाने चाहिए। अब ये नेम सम सीड्स वी ईट, जो चीजें सीड्स हम खाते हैं उनके बारे में इधर पे लिखना है, ठीक है। जैसे हम ग्राउंड नट्स खाते हैं और ऐसे सनफ्लावर का भी खाते हैं, इसी तरीके से हम जो ये नारियल है, नारियल का भी जो अंदर होता है उसी से उसको खाते हैं, और कई सारी चीजें इसमें तेल निकलते हैं वो चीज हम खाते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द वीनस फ्लाई ट्रैप इज ए इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप है, उसमें कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, वो क्या है, कीड़े मकोड़े खाने वाला पौधा है। इट गिव्स इट्स फूड फ्रॉम सोयल एज वेल एज, ये अपना पौधा जमीन से भी लेता है भोजन, और इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े से फंस उससे भी। सीड्स आर यूजिंग ग्रोइंग न्यू, और ये बीजों से ही नए पौधे बनते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स इसमें क्या आए हैं, महत्वपूर्ण जो वर्ड्स हैं, हर्ब्स,
ठीक है, जड़ी वेरी स्मॉल कार्ड हर्ब्स जो छोटे पेड़ होते हैं उनको, पौधे होते हैं उनको हर्ब्स कहते हैं, लाइक मिंट, चिली, ठीक है, मिर्च का हो गया, पुदीना हो गया, तुलसी हो गया और टमाटर का हो गया। श्रब्स जो थोड़े बड़े होते हैं, झाड़ी नुमा, मीडियम साइज प्लांट जिसमें मध्यम, विद वुडी जिसमें तना लकड़ी का होता है, कार्ड श्रब्स उन्होंने झाड़ी नुमा पौधा कहते हैं, लाइक रोज हिबस्कस जिसमें गुलाब है, हिबस्कस है। ट्रीज बड़े पेड़, टाल बिग एंड स्ट्रॉन्ग कार्ड ट्रीज लाइक मैंगो, नीम, बड़े और मजबूत जो प्लांट्स पौधे हो जाते हैं उनको ट्रीज कहते हैं, जैसे कि आम का और नीम का। ट्रंक्स जो तना होता है, ह्यूज वुडन स्टेम लकड़ी का मजबूत तना होता है जिसको हम ट्रंक कहते हैं। थिंग्स टू रिमेम्बर, क्या यादें करनी है आपने। अराउंड अवर सोसाइटी वी ऑब्जर्व मैनी ट्रीज, हम अपने सोसाइटी समाज में बहुत तरीके के पेड़ और पौधों को देखते हैं। अ प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट्स, एक अलग अलग प्लांट्स के हिस्से होते हैं जिसमें क्या है, जड़ है, तना है, पत्ते हैं, फ्लावर फूल है, बट कलियां और उसमें फ्रूट जो फल लगता है। वी गेट फ्रेश एयर वी शुड सेव द, अगर हमें अच्छी ताजी हवा चाहिए तो हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। प्लांट्स प्रोवाइड विद ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड लिव, प्लांट से क्या होता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है सांस लेने के लिए और जिंदा रहने के लिए। नाउ एक्सरसाइजेस, अब इसमें अभ्यास है जो, फिल इन द ब्लैंक्स, यू करेक्ट ऑप्शन करना है, डैश नीम, रोज, रबर प्लांट और ग्रास। तो ग्रास क्या है, एक हर्ब है, ठीक है, जड़ी बूटी जो छोटी ग्रास होती है उसको हर्ब्स में आता है। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड, जो होते हैं उनको ट्रीज कहा जाता है, ठीक है। लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर, ज्यादातर पेड़ पौधों की क्या होती है, ग्रीन, हरे कलर की पत्तियां होती हैं, हरे रंग की। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ठीक है, पौधे क्या है, जीवित या सजीव चीजें हैं। द गैस दैट प्लांट्स गिव अस इज ऑक्सीजन, वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन गिवन बाय प्लांट्स फॉर आवर सर्वाइवल। इसके बाद मैच द फॉलोइंग से, यहाँ ट्री में दिखा रखा आपने, इधर ले जाना तीर लगा के, श्रब है, झाड़ी नुमा बता, हर्ब में ये आ जाएगा, क्लाइंबर ये चढ़ते हुए दिखा रहा, क्रीपर रेंगते वाले दिखा दिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स, बर्ड है, प्लांट्स है, वीक है, वेजिटेबल्स है, श्रब्स है। कॉटन इज मेड फ्रॉम द बर्ड, जो इसे कली ऑफ अ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट में जो कली लगती है उससे बनता है, ठीक है। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं, रोज एंड जैस्मिन आर श्रब्स, क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक, इसमें बहुत ही कमजोर तना होता है। सीड्स आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट्स, नए पौधे पैदा करने के सीड चाहिए। अब ये व्हाट डू यू मीन बाय हर्ब्स, हर्ब्स क्या होता है, अ वेरी स्मॉल प्लांट, ठीक है, वेरी स्मॉल प्लांट कार्ड, जैसे मिंट ये लिख सकते हो, ठीक है। एंड द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर वेरी वीक, इधर पे आप लिख सकते हो। राइट थ्री यूजेस ऑफ प्लांट्स के, यूज क्या है, दे गिव अस फ्रूट, दे गिव अस वेजिटेबल, दे गिव अस वुड, ठीक है, और कई तरह फर्नीचर बनाए, वुड देते हैं, कागज के लिए कागज चाहिए होता है तो इन्हीं से, यहाँ तक कि कई परफ्यूम होते हैं, ठीक है, और ऑयल, कई प्लांट्स हमें क्या है जो हम खाने में यूज करते हैं, एडिबल ऑयल्स भी हमें देते हैं। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ बता रहे डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ क्लाइंबर एंड क्रीपर, ये बता रखा है। अभी क्या डिफ्रेंशिएट है, क्लाइंबर नीड सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट, क्लाइंबर चढ़ने के लिए उनको क्या होता है कि सहारे की जरूरत होती है, कोई लकड़ी लगा दो या पेड़ है या कोई दीवार है उसके सहारे वो चढ़ जाएगा, क्लाइम कर जाएगा, जैसे पर्वतारोही होते हैं ना क्लाइंबर, रॉक क्लाइंबर्स, तो उसी तरीके से ये भी चढ़ जाएगा, इसमें जो टेंटिकल्स निकलते हैं वो दीवार पकड़ लेते हैं। बट जो क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स वो कभी नहीं, क्रीपर्स क्या होते हैं, जमीन के साथ रेंगते हैं, क्रावल अलोंग विद अर्थ, जो जमीन होती है उसके साथ वो करते हैं, और वो उनका भी क्या होता है, जो तना होता है बहुत ही कमजोर होता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर एंड क्रीपर। तो ये आज के लिए काफी है, अच्छा आप लोग तैयारी कीजिए, बढ़िया अच्छे से पढ़िए और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लीजिए। दैट थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।